ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है डे टू हमारा हरिद्वार में, और आज ही हमें वापस भी जाना है बरेली। हमारी 3 बजे की ट्रेन है, तो उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ पर होकर आते हैं। तो अभी पापा देखो यहाँ पर भी पूजा कर ही रहे हैं, जैसे एज यूजल डेली घर पर करते हैं। वो एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहते, चाहे बाहर भी हो तो भी, तो एक अच्छी चीज़ है। तो अभी अभी मम्मी अभी नहा रही हैं, पापा नहा के एकदम रेडी हो गए, मतलब पूजा कर रहे हैं नहा कर। और अभी इसके बाद मैं जाऊंगा नहा धो के, फ्रेश होकर एकदम रेडी हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलते हैं और खुद भी करते हैं दर्शन मनसा देवी के, और आप लोगों को भी करवाएंगे साथ में। तो अभी मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो यार नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ मैं, पापा मम्मी भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि ट्रेन है हमारी। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी निकल जाएँ, क्योंकि वहाँ हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा कैसे क्या। तो फिलहाल अभी 8 बज रहा है, तो हम लोग अभी निकलते हैं मंदिर के लिए और आपसे आकर मिलते हैं, और आप लोगों को वहाँ पर दर्शन करवाएंगे। तो आप देखना वीडियो में और बताना कमेंट सेक्शन में। तो अभी चलते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। आओ, वरना वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसके लिए। मम्मी को तो बोलो जितना पीछे हो गए। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो रोप वे के टिकट काउंटर की लाइन है, और इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी गेट नंबर 14 से, जो कि मेरे जस्ट पीछे है। हम लोग यार जा रहे हैं रोप वे से, और मनसा देवी के आगे दर्शन करते हैं। मम्मी थोड़ा डर रही है, और वैसे पैदल का भी रास्ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है, लेकिन हम लोगों ने सोचा, हमें हमारी ट्रेन थी तो हमें जल्दी जाना था, तो हमने सोचा कि हम लोग रोप वे से चले जाएं, ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी दर्शन करके आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। मम्मी की हालत खराब हो रही है डर के मारे, बहुत ऊपर तक जाना है। देखो वहाँ पे जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, ऊपर तक जाना है। ये देखो ये भी, ये वापस लौट के आ रहे हैं वहां से, हम लोग जा रहे हैं। मम्मी मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं जब पिछली बार आया था मुझे 10-15 साल पहले लगभग, तब तो हम लोग पैदल गए थे, इस बार पहली बार जा रहे हैं। वैसे देखो वो है मंदिर वहाँ पे, बहुत ऊपर हाइट पर जाकर है, बहुत हाइट पे है भाई। मम्मी उधर बैठी हुई है, मैं वैसे उधर बैठता, मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए, लेकिन मम्मी उधर बैठ नहीं रही थी, इधर मेरी साइड जहाँ मैं बैठा हूँ, क्योंकि इधर ना अकेले बैठना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बैठ जाता हूँ इस साइड। व्यू देखो यहाँ से कितना तगड़ा आ रहा है। वो है मंदिर ऊपर, वो मंदिर है। टाइम ज्यादा नहीं लगा, नहीं टाइम ज्यादा नहीं लगता है, नहीं वहाँ पे भी वेट ज्यादा नहीं करना। हम लोग जल्दी आ गए ना इसलिए, अगर आप लोग भी आ रहे हो तो यहाँ पर जल्दी आना सुबह मॉर्निंग में। हम लोग 7:30 तक अराउंड आ गए थे, तो हम लोग को काउंटर से टिकट वगैरह इजीली मिल गया था, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। मजा आ रहा है। 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, पर पूरा वो वापस सीढ़ी वाला रास्ता है, वाला रास्ता है, हालत खराब हो जाती है, हाफ जाते तो सांस फूलने लगती है। 5 मिनट का रास्ता है इससे वे से, ये आ गया है देखो आपका 5 मिनट में। और आ गए अपने स्टॉप पर हम लोग। मजा आया, मुश्किल से नीचे से जो पूरा रास्ता था, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है यहाँ पर आने के लिए, और अब यहाँ से जाएंगे सीधे मंदिर, क्योंकि अभी यहाँ से जब जाएंगे तो भी हमें मतलब 50-60 सीढ़ी लगभग
नीचे उतर के जाना पड़ेगा मंदिर के लिए और फिर 50-60 सीढ़ी ऊपर यहाँ रोप वे तक आने के लिए। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, 5 मिनट लगे मुश्किल से हमें यहाँ पहुँचने में, और ज़्यादा टिकट भी इसका ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कम से कम आधा घंटा लगेगा, यहाँ टाइम लग सकता है ना। यहीं उतार देते हैं ना, ले लो ले लो। पापा जहाँ से लेंगे वहाँ शूज उतार देंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ से ले लो सामने से। यहाँ पर यार वापस जा रहे हैं, यहाँ से दर्शन हो गए, हम वापस रोपवे की तरफ जा रहे हैं। अभी हुआ ये कि वहाँ पर कैंटीन थी, तो उसने खाना खिलाने के लिए मतलब कैंटीन तक पहुँचाने के लिए उसने पूरी उसको सबको घुमा दिया, जितने लोग थे उन सबको रास्ता ही चेंज कर दिया उसने। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हम लोग टाइम से आ गए थे तो इसलिए हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब थोड़ी भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, भीड़ भी नहीं है। हाँ तो हम लोग अब चेकआउट वगैरह भी टाइम से कर लेंगे और स्टेशन टाइम से पहुंच जाएंगे। इसका रोप वे का हमने ये किया था कि हमने आने जाने दोनों तरफ का कर लिया था, वरना लोग ये भी करते हैं कि पहले आने का कर लेते हैं, मतलब पहले जाने का फिर आने का उसी साइड से करते हैं। तो उसमें ये हुआ कि हम लोगों ने दोनों का एक साथ कर लिया था, तो हमारा थोड़ा टाइम भी बच गया और ज़्यादा इसका टिकट का कॉस्ट भी नहीं था ज़्यादा, मुश्किल से 350 रुपये टिकट था हम तीन लोगों का आने जाने का दोनों का, तो इतना भी कॉस्टली नहीं है। तो और ये टाइम सेविंग भी है काफ़ी, और जो लोग मतलब ओल्ड एज में होते हैं तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी सही है कि वो लोग इतनी चढ़ाई करके नहीं जा सकते, इसलिए तो काफ़ी अच्छा है। यार हम लोगों ने दर्शन वगैरह करने के बाद में हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हम लोगों ने, खस्ता कचौड़ी और समोसे वगैरह जो भी खाना था हल्का फुल्का मतलब वो खा लिया था। उसके बाद में मम्मी को चाय पिलवानी थी क्योंकि बिना चाय के रह नहीं सकती, तो इनको कुल्लड़ वाली चाय पिलवाई वहाँ पर। फिर अभी हम लोग आ गए थे रूम पर। अब रूम पर आने के बाद में हमने सोचा खाना थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि तुरंत ही ब्रेकफास्ट करने के बाद में खाना और सुबह सुबह का टाइम था तो वो भी नहीं था, और 12 बजे तक हमें चेकआउट करना है यहाँ से। तो हम सोचें 11:30 के अराउंड खाना वगैरह खा लें, क्योंकि स्टेशन के पास में जो मैंने वहाँ पर देखा वहाँ पर इतने अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है खाने के ऐसे ही, वो तो डेली वाले। तो अभी यहाँ से हम लोग यहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ पर हम लोग अभी जाकर खाना वगैरह जो भी खाना होगा खा लेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे सीधा वेटिंग रूम रेलवे स्टेशन के, क्योंकि हमारी ट्रेन है 2 बजे की, 2:55 की ट्रेन है हमारी। तो मैं अभी यहाँ से वेटिंग रूम जाएंगे खाना वाना खाने के बाद में, वहाँ पर वेट कर लेंगे ट्रेन का जब तक आती है, क्योंकि बाहर स्टेशन पर क्या वेटिंग है, जब हमारे पास में टिकट्स अवेलेबल हैं और वेटिंग रूम है वहाँ पर, तो वहाँ पर वेटिंग रूम में जाकर बैठते हैं आराम से और ट्रेन का वेट करेंगे वहाँ पर। फिलहाल अभी यहाँ से जाते हैं, चेकआउट तो अभी मैं थोड़ी देर में आकर यहाँ पर करूँगा, क्योंकि सामान वगैरह काफ़ी है तो इसे लेकर कहाँ जाऊँगा रेस्टोरेंट पर खाना वाना खाने, तो चेकआउट थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से खाना खाने।
और फिर आके आपसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं हम आगे। तो यार अभी हम लोग आए थे यहाँ पर रेस्टोरेंट पर, जैसे कि मैंने बताया था कि खाना वगैरह खाना था प्लेट, तो पापा ने अपने लिए लगवाई है वेज थाली। मतलब यहाँ पर सभी वेज ही है, ओवरऑल सभी वेज है। पापा ने अपने लिए लगवाई थाली, मैंने भी थाली लगवाई है, मम्मी की थाली है। बाकी मेरे को अगर कुछ फास्ट फूड में, जैसे मुझे ज़्यादा पसंद है नूडल्स वगैरह, अगर मुझे बाद में पेट में जगह बची तो उसके बाद में मैं नूडल्स वगैरह खा लूँगा। तो अभी आने दीजिए, फिर आपको दिखाते हैं और खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। तो ये यार अपनी वेज थाली, इसमें दाल है और मटर पनीर की सब्जी है, रायता है, प्याज है, बाकी राइस है और अभी रोटी वगैरह आना बाकी है। रोटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक थाली में चार रोटी है। मुझे लगा वैसे रुमाली रोटी होंगी या तवा रोटी होंगी, तो वो लोग तो चार तो खा सकता है इजीली इंसान, लेकिन यार तंदूरी रोटी चार एक बार में एक बंदा कैसे खा लेगा। तो हमने मना कर दिया कि यार अब प्लेट तो लग गई, मैंने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें अभी कम ही रोटी दो, अगर हमें नीड होगी तो हम ले लेंगे, वरना आपका भी वेस्ट होगा, वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने तो प्लेट के सिस्टम के हिसाब से कहा था कि चार रोटी मैंडेटरी है पर प्लेट में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने लिए कम कर लिया। हमने कहा नहीं हम इतनी नहीं खा पाएंगे यार, 12 रोटी वो भी तंदूरी वाली तीनों में डाटेड, तो हमने अपनी रोटियां कम करवा ली हैं। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं, क्वांटिटी अच्छी है खाने की जिस हिसाब से प्लेट है, हाँ, और खाना भी टेस्टी है काफ़ी। तो यार खाना वगैरह खा लिया था, पेट भर गया, मैंने सोचा था कि नूडल्स भी उसके बाद में खाऊंगा, लेकिन जगह ही नहीं बची पेट में, इतना ज़्यादा वो थाली बहुत ज़्यादा थी यार। हम लोगों के लिए दो थाली होती हैं और एक नूडल्स होते तो हो जाता तो खा लेता, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था खाना। कोई दिक्कत नहीं, मैंने नूडल्स पैक करा लिए अपने रास्ते के लिए, अगर भूख लगेगी तो खा लूँगा। और अभी देखते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, 12 बजने वाला है, चेकआउट करना है, तो यहाँ से निकल के हम लोग सीधे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सीधे हम लोग जाएंगे वहाँ वेटिंग रूम में, वहाँ पर वेट करते हैं जब तक ट्रेन नहीं आती, क्योंकि ट्रेन 2:55 की है, तो अभी 2 घंटे हैं, तो वहीं पर वेट कर लेंगे वेटिंग रूम में। और बाकी मैं यहाँ का ये बताना चाहूँगा, हर की पौड़ी हो, चाहे मनसा देवी मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, तो यहाँ का ये सीन है कि अगर आप कहीं हर की पौड़ी पर खड़े हैं तो आप कम से कम सुबह से शाम तक आप पैसे बांटते रहे, आपके पास में लोग आते रहेंगे कि कभी धार्मिक के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी टीका लगाएगा कोई, कभी कोई कहेगा भंडारे के लिए, तो ऐसे अगर आप पूरे दिन खड़े रहो, पूरे दिन पैसे बांटते रहो वहाँ पर, तो मतलब इन लोगों ने एकदम कॉमर्शियल तरीके से बना लिया इसको, जो भी मतलब अपने धार्मिक स्थल हैं। अगर आप मनसा देवी जाएंगे तो मनसा देवी में भी आपको हर एक पॉइंट पर पंडित जी मिलेंगे, वो आपको क्या कहते हैं हर एक चीज़ करवाएंगे। तो ऐसा पहले नहीं था, पहले इतना नहीं था, एक जगह पंडित जी बैठे होते थे वहाँ पर दान वगैरह करो आप सब कुछ करो, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो जिसकी जो इच्छा हो वो वहाँ पर दे, मैं तो ये कहूँगा। बाकी सारी चीज़ें हैं नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें मजाक के पर्पज से बोल रहा हूँ, या जैसे भी आपको लगे आप देख लेना, मैंने आपको रियलिटी बताई अभी यहाँ की, तो देखते हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पर जब मैं कल विज़िट किया था मैंने हर की पौड़ी पर, तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी और काफ़ी हो गया है वहाँ पर, पहले मतलब लेडीज़ वगैरह के लिए चेंजिंग रूम वगैरह कुछ नहीं थे, अब वहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह घाट पर ही बने हुए हैं, टीन शेड के उन्होंने बना रखे हैं चेंजिंग रूम वगैरह, और बाकी अब साफ़ सफाई भी पहले से काफ़ी है। और मनसा देवी मंदिर तो मैं करीबन 10-12 साल पहले आया था, तो अब मैं जब गया तो वहाँ पर काफ़ी बिल्कुल ही चेंज हो गया था, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पर, तो आप लोग भी आइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो अभी फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, तो अभी स्टेशन पहुँचते हैं, आगे की बातचीत वहीं जाके करेंगे। तो यार सामान कम होने की जगह सामान बढ़ गया है, क्योंकि गंगा जल वगैरह भी था, थोड़ा किस्सू ने मंगाया था उसके लिए भी तो लेके जाना था, तो बाकी अभी चलते हैं फटाफट से, अब चेकआउट करते हैं।
सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।